हमें जो मिला है उसके प्रति अहोभाव से स्वीकार्य भाव, अच्छा मिला है तो भी, अच्छा तो सभी होता है, मेरे स्वभाव के अनुसार जो भी अनुकूल मिला है तो भी परमात्मा को धन्यवाद, प्रतिकूल मिला है तो भी धन्यवाद, और मेरे जीवन में मुझे सब अनुकूल मिले ऐसा मेरा बर्थ राइट कहाँ पे है कि मेरे को अनुकूल ही मिलना चाहिए, मुझे प्रतिकूल क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वो मेरे पूर्व जन्मों के हिसाब, मेरे कर्मों के अनुसार भगवान ने विधान किया है तो स्वीकारना चाहिए। और अगर हमारे को दृढ़ विश्वास पुनर्जन्म में भी होना चाहिए, प्रायः हम सोचते हैं कि यही जीवन सब कुछ है और इसके अंदर ही अगर हम शांत नहीं हुए, हमको अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई तो मानो हमारे जीवन की इबारत समाप्त। ये जीवन तो एक अनंत जीवनों की श्रृंखला में एक छोटा सा बिंदु है। इस जीवन में कोई बाजी खत्म नहीं हो जाती सारी। बहुत बार इस जीवन में ही देख लें हम कि जो न्याय होता है, आज कोई कर्म किया किसी का फल आज मिल गया, लेकिन ठीक अभी मिल जाए ऐसे बहुत कम होते हैं, वो केवल भावनात्मक कर्म होते हैं। क्रोध किया तो हमको उसका दुष्परिणाम तुरंत मिल गया। अनेकों का फल बाद में मिलता है, कईयों का इस जन्म में मिलता ही नहीं है। किसी ने बहुत बड़े पाप कर दिया तो वो छूट कैसे जाएगा, उसको अगले जन्म में फल मिलेगा। तो हमारे जीवन में एक स्वीकार्य भाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को ऐसा हमेशा लगता रहता है कि जो उसे प्राप्त हुआ है वो बहुत ही कम और अपर्याप्त और अन्यायपूर्ण है। हम तो बहुत अच्छे थे लेकिन हमको ये जो जीवन ने दिया इसमें बहुत कमी छोड़ दी। आप विश्वास करें कि भगवान ने हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ पैदा की हैं वे अनंत प्रज्ञावान, अनंत सामर्थ्यवान, अनंत करुणावान, और उन्होंने अरबों खरबों संभावनाओं में से हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए वे परिस्थितियाँ चुनी हैं जिनके मध्य हम स्वयं को पाते हैं। उनके प्रति पूर्ण स्वीकार्य भाव होना चाहिए। ये आग्रह साधक को छोड़ ही देना चाहिए कि उसके जीवन में प्रतिकूलता न हो, क्यों ना हो। हमारी शांति प्रतिकूलताओं के अभाव पर नहीं बल्कि प्रतिकूलताओं से अप्रभावित रहने की क्षमता पर निर्भर होनी चाहिए, और ये बल हमको भगवान की श्रद्धा और साथ साथ अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा से प्राप्त होता है। देखिए, भगवान को आपने नहीं देखा, एक भगवान का प्रतिनिधि होता है। उपनिषदों में और शास्त्रों में जो गुरु की परिभाषा की है तो वो गुरु को भगवान का सगुण रूप बतलाया है, जो दिखता है, खाता है, पीता है। और जब हम ऐसे भाग्यवान हों कि हम किसी प्रामाणिक महापुरुष के संपर्क में हो जिनका जीवन प्रतिक्षण भगवान के प्रति समर्पित हो और सेवा के प्रति समर्पित हो, अगर हमारे चित्त में भगवान के प्रति प्यार है, गुरु के प्रति सच्चा प्यार है, तो हमारे हृदय में कार्य करने में आनंद रहेगा। अब देखिए, हमारी इंद्रियां हैं, हमको अच्छा खाने को रस, इंद्रियों के रस हैं ना, पांचों इंद्रियों के, मन के रस हैं, काव्य है, संगीत है, पेंटिंग है, नृत्य है, ये मन के रस हैं। इंद्रियों के रस हैं अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना। आपके चित्त में एक जगत के प्रति ठीक ठीक सोच अगर हमारे हो भीतर हो तो हमारा चित्त अनेक प्रतिकूलताओं के रहते हुए भी बहुत शांत हो जाता है। मैंने बहुत सारे संतों के जीवन पढ़े हैं, उनके जीवन में भौतिक दृष्टि से बहुत अभाव था लेकिन उनका चित्त परमात्मा के प्रेम में बिल्कुल आकंठ डूबा रहता था, वो प्रेम से विभोर रहते थे। अगर हमारे जीवन में परमात्मा का प्रभाव न हो तो उसका अभाव तो जरूर होना चाहिए, लेकिन परमात्मा को हम भूले रहें ये तो ठीक नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस वो जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारी सच्चा अस्तित्व है, उसके दर्शन करना, और हम कर्म योग और ध्यान दोनों के माध्यम से हमको करना चाहिए। मैं फिर निवेदन करूं कि भगवान छोटे से छोटे कर्म के से भी
अत्यंत प्रसन्न ऐसे हो जाते हैं जैसे एक पिता अपने छोटे किलकारी मारते हुए बच्चे की मूढ़तापूर्ण बातों से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमारे छोटे छोटे सेवा कार्यों से जब हम प्रेम से उसको समर्पित करते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होकर के हमको दर्शन भी दे सकते हैं। हाँ, इतना सरल भी है यह मार्ग। ध्यान भगवान से एकांत में मिलने का अवसर है, वो हमारी आत्मा का भोजन है। हम दिन भर जो काम करते हैं उसकी ऊर्जा हमें ध्यान से मिलती है, और जितना ही हमारा भगवान, ये इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। आप पूछेंगे भगवान का स्मरण करने की यूटिलिटी क्या है, तो ज़ीरो। आनंद रह प्रसन्न रहने की क्या यूटिलिटी है, हम क्यों प्रसन्न रहना चाहते हैं, हमारा स्वभाव है। आप रोज़ शाम को घर क्यों जाना चाहते हैं, स्वभाव है। आप प्रसन्न क्यों रहना चाहते हैं, स्वभाव है। इसी तरह अपने सच्चे घर परमात्मा को लौटने का कोई कारण नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो हमारा मूल स्वभाव है। जैसे नदियों का स्वभाव अकारण ही समुद्र में मिलने का होता है, ऐसे ही सभी जीवों का स्वभाव अकारण ही उस आनंद स्वरूप चित्त स्वरूप परमात्मा की ओर यात्रा करना है, और हमको उसमें सजग होकर के कॉन्शियसली उस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। हमारा सबका जीवन एक साधक का योगी का जीवन हो जिसमें भगवान का ध्यान और इस जगत की निष्काम सेवा। मैं आपके चरणों में भगवान की इस सृष्टि की लीला का कुछ वर्णन करूं जो वैज्ञानिकों को पता है, मैं आपको बतलाऊं कुछ, उससे आपको भगवान की, आपको कईयों को पता होगा लेकिन मैं थोड़ा साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरे को फिजिक्स में रुचि है रहा हूं। तो हमारी सृष्टि कोई 1400 करोड़ साल पहले बनी। जिस गैलेक्सी में हमारा सूर्य है, आकाश गंगा में, उसमें लगभग 30,000 से 40,000 करोड़ सूरज हैं। हमारे एक सूरज के, हमारे पृथ्वी एक प्लेनेट है, ऐसे 40,000 करोड़ सूरज हैं एक आकाश गंगा में। और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं, लगभग अनंत। वैज्ञानिक बोलते हैं कम से कम 2,00,000 करोड़ आकाश गंगाएं तो हैं जिनमें सभी में औसत इतने इतने हजार करोड़ सूरज हैं। अब उसमें हमारी क्या स्थिति है इसका आप अनुमान लगाएं। प्रशांत महासागर में पड़े हुए एक कण का तो अस्तित्व है, लेकिन हमारी पृथ्वी को अगर कोई ढूंढना चाहे, गुम जाए कभी ये, तो उसको कोई ढूंढ नहीं सकता ब्रह्मांड में। ये जो पृथ्वी थी बिग बैंग के टाइम 1400 करोड़ साल पहले अनंत छोटे बिंदु के रूप में थी, और ये सारे सूर्य और टोटल एनर्जी जो ब्रह्मांड की थी वो इस बिंदु में समाहित थी। उस बिंदु का टेम्परेचर था 10 खरब 10 खरब 10 खरब को 3 बार गुणा करो, 10 के आगे 30-35 बिंदी लगा दो, इतने डिग्री सेल्सियस था। और उसके अंदर एक प्रोसेस हुआ, ये सब वैज्ञानिक बातें जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और एक सेकंड के अरबवें हिस्से में वो एक आंवले के जितना बड़ा हो गया ब्रह्मांड, जिसको आप बेर के जितना इसमें रख सकते हैं हाथ में, उसमें सारे क्वार्क्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बन गए। 380,000 साल बाद उसके अंदर चांद तारे बनने चालू हुए। ये हमारी पृथ्वी है। तो जो परमात्मा, उस जो हमारी सबसे छोटे जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं है, वो क्वार्क्स से बने हुए हैं, जो अभी तक जो सबसे छोटे हिग्स बोसन क्वार्क्स, इनसे। तो जो परमात्मा एक एक क्वार्क का ख्याल करता है कि उसकी गति कैसे हो, वो हमारी भक्ति और हमने जो सत्कर्म किए हैं उसको कभी भूल सकता है। ऐसा आप फिजिकल साइंस को देखिए, अध्यात्म के रूप में घटा करके देखिए, और भगवान हमारे ब्रेन में
लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं मनुष्य के ब्रेन में। हाथी के ब्रेन में होते हैं लगभग 25 बिलियन, कॉकरोच के ब्रेन में होते हैं कोई 23-25 लाख, और वो प्रत्येक एक न्यूरॉन, आप किसी वैज्ञानिक के पास जाएंगे तो विश्वास, हम मेरे को लगता है कि ये सब बातें कहानियां हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी हैं। हमारे अंदर 200 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं मानव शरीर में, और हर कोशिका एक सेकंड में 3 लाख कार्य करती है, एक कोशिका। प्रतिदिन हमारी बॉडी में लगभग 50 बिलियन सेल्स मर जाते हैं डेली, नए होते हैं। अनंत प्रक्रियाएं चल रही हैं शरीर में, जो मैं एक वाक्य बोलता हूं उसके पीछे मेरे ब्रेन में अरबों खरबों प्रक्रियाएं होती हैं, और ये मैं अगर मेरी औसत आयु 70 साल है तो ये अरबों अरबों कोशिकाएं जीवन भर मेरे शरीर के दूसरे सेल्स को पहचानती हैं, उनके साथ में सामंजस्य बिठाती हैं, बाहर से आने वाले कीटाणुओं से लड़ती हैं। मेरा हृदय, अब जो मेरा हृदय धड़कता है 72 बार, तो भगवान ने सोचा ये इंसान, इसके जिम्मे अगर दिल धड़काना रख दिया तो ये भूल जाएगा, इसको तो याद ही नहीं रहता, अपना रुमाल भूल जाता, पेन भूल जाता है, तो दिल धड़काने का जिम्मा भगवान ने अपने पास रखा। एक मिनट में हम 12-15 जितनी बार भी सांस लेते हैं वो जिम्मा भी भगवान ने हमारे ऊपर नहीं डाला, और वो दिल मूर्ख में भी उतनी सावधानी से भगवान धड़का रहे हैं जितना कि एक समाधिष्ठ संत के हृदय में। उनकी करुणा देखिए, वो एक कीड़े के अंदर, प्लांट के अंदर अरबों ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर हमारा सूर्य हमसे थोड़ी सी भी दूर होता तो जीवन संभव ना होता, पानी नहीं होता, तो ऐसे करोड़ों चीजें करके। इसके बाद हमारा मन है, हमारे प्राण हैं, इनके भी परमाणु हैं, तो ये कौन कर रहा है? हमको ये पता नहीं है कि जो क्वार्क होता है ये बना किसका है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, उससे छोटा क्या है। तो जो भगवान, और ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, एक नई टर्म है मल्टीवर्स नॉट यूनिवर्स, यानी कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड जैसे समुद्र के वक्ष पर बुलबुलों की तरह फूटते अस्त होते रहते हैं, ऐसे ये अनेक ब्रह्मांड उस दिव्य चेतना के सागर में उदय और अस्त होते रहते हैं। वो परमात्मा हमारे साथ न्याय करने में गलती कैसे कर सकता है, ये मैं विनती आपके चरणों में कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता जी में बोला कि अर्जुन, वैसे तो मैं सब में समान रूप से हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, उनसे मैं पक्षपात करता हूँ। मैं एक मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब मैं उनके साथ, अगर वो उनका मेरे प्रति उत्कट प्रेम है तो मेरा भी उनके प्रति कम उत्कट प्रेम नहीं है। और फिर ये भी उन्होंने बोला कि अगर मेरी भक्ति कोई दुराचारी भी करता है तो वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरे रास्ते पे चले हुए व्यक्ति का कभी नाश होता ही नहीं है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, ऐसा एक श्लोक है कि नहीं कि उसका न तो इस लोक में नाश होता है ना उसमें। अब हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम जब ये परिभाषा करते हैं कि भगवान की हम पे कृपा है कि नहीं, तो उसके कुछ हमारे पास पैरामीटर्स हैं। हमारे घर में सुख शांति होना चाहिए, इनकम पर्याप्त होना चाहिए, बीपी ठीक होना चाहिए, और कहीं झगड़े नहीं होना चाहिए, समाज में सम्मान होना चाहिए, व्यापार में घाटा नहीं होना चाहिए, तो भगवान की कृपा हम पे है। अगर हमारे जीवन में प्रतिकूलता है तो भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है। भागवती चेतना मनुष्य का विकास, दुख अपमान दारिद्र अपमान मृत्यु रोग, इन सबको साधन बना के करती है। आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में सब अनुकूल परिस्थितियां हों। तो मैं
अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ कि इतने सारे इस कलयुग में एक हॉल में दूसरे लोगों की सेवा भावना से प्रेरित होकर के इतने सारे महापुरुषों को देखना भी एक बड़े सौभाग्य की बात है, अपने आप को पवित्र करने जैसे बात है। मैं समझता हूँ कि मेरा मन शरीर पवित्र हुआ कि मैं इतने सारे आप पुण्य आत्माओं का दर्शन कर रहा हूँ। कर्मयोग सेवा का मार्ग अत्यंत उत्तम मार्ग है। पूरी भगवद गीता जी में भगवान कृष्ण ने इसका प्रतिपादन किया है, और अगर हम नहीं करेंगे तो ध्यान के वेग को संभालने वाले लोग बहुत कम होते हैं। प्रायः जब व्यक्ति को एकांत मिलता है तो अच्छे अच्छे साधक क्या करते हैं, उनको बहुत खाने की रुचि हो जाती है, नींद आलस्य बहुत करते हैं। मेरे गुरुदेव जब ध्यान करते थे तो 16 घंटे का उनका टाइम टेबल था रोज का, और जितनी सफाई वो उनके कमरे की, अकेले रहते थे तब भी उतनी सफाई करते थे, आज जब बहुत लोग आते हैं तो भी उतनी सफाई रहते थे। वो तो भगवान के लिए उनके जीवन में स्वच्छता और साधना थी, लोगों के लिए नहीं थी। जैसे गुलाब का पुष्प है, अगर वो बाग में है तो लोग उसकी सुगंध ले लेंगे, और वो रेगिस्तान में तो सुगंध वहाँ भी देगा, कोई लेने वाला हो या ना हो, उसका स्वभाव है। तो जो ध्याननिष्ठ लोग होते हैं उनके जीवन में आलस्य नहीं होता, और आलस्य को मारने के लिए कर्म योग एक औषधि है। और हमको, हम बहुत ही शुद्ध होते हैं, और कभी कभी जब काम करते करते हमारे चित्त में राग और द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो जैसे बीमारी हो जाने पे बुखार लक्षण हैं, ऐसे ही लक्षण हैं। ये तो हमारे चित्त के दर्पण हैं। हमको सौभाग्य मानना चाहिए कि हमको अपने चित्त के दर्शन हुए, और फिर उसकी औषधि करनी चाहिए। ईर्ष्या आ जाती है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है काम के वक्त। जो हमसे ज़्यादा सेवा करते हैं उनके प्रति क्रोध आ जाता है। देखो हमारे अहंकार कितना तेज है, और फिर उसको इतने लॉजिक बनाएगा वो कि जिससे हम ठीक साबित हो सकें। तो इस प्रकार से अपने मन पे हमको सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, 5-10 मिनट। हमारे सूक्ष्म प्रेरक तत्व क्या हैं हमारे कर्म के, उसको हमको देखना चाहिए, उनको इरेडिकेट करना चाहिए, और अपने गुरु में परमात्मा की भांति ही श्रद्धा रखनी चाहिए। पूज्य महाराज जी में आपका सौभाग्य है कि इतने प्रामाणिक संत आपके जीवन के मध्य में सूर्य की भांति आपको प्रेरणा दे रहे हैं जीवन से। राज जी ने अभी बताया दोष दिखने पर सौभाग्य तो रखना चाहिए कि मेरा दोष दिख गया, लेकिन उसको हटाने के लिए इलाज भी कर लेना, ऐसे भी बताया। कभी कोई यूँ आधी बात को मत सुनना कि महाराज जी ने बोला था दोष दिखे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी ने ये भी बताया कि उसका उपचार भी करना है, और वो उपचार भी बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध, भगवान का नाम औषध है, ऐसा भी तो है ना गुरु ग्रंथ साहब में। सर्व दुख को औखध नाम, सर्व दुख को औखध नाम, औखध नाम लिख लो, भगवान का नाम जो है ना, सर्व दुख को औखध, औखध माने औषध। भगवान परम पवित्र हैं, उनका नाम लेने से हम पवित्र होते हैं। जिसका स्मरण करो व्यक्ति वैसा ही बनता जाता है। महाराज जी तो नाम स्मरण पे बहुत जाप, बहुत ध्यान देते हैं। अपने साधन काल में 1000 मनकों की माला बना रखे थे उन्होंने, और गंगा जी में आधे पैर डाल करके एक स्टूल लेकर के दिन भर जाप करते रहते थे दिन भर, और रात भर नींद ना आ जाए तो खड़े होकर के बैरागन बना रखी थी, खड़े होकर के जाप करते थे रात भर। 3 वर्ष तक उन्होंने एक अनुष्ठान किया था बिना सोए जाप करके, अगर दिन में सोते थे, लेकिन 3 साल तक 1000 रात्रि तक सोए नहीं महाराज जी। सुबह थोड़ी देर सो लेते थे, मतलब दिन में कभी किसी समय, लेकिन रात को नहीं सोते थे। और दूसरा, मैं महाराज जी के चरणों में लगातार लगभग 31-32 वर्षों से हूँ। मैंने महाराज जी को आज तक ध्यान में कभी लेट होते हुए नहीं देखा, एक बार उनको 2.5 बुखार था।
अभी 90 वर्ष आयु है, अभी भी महाराज जी 3 बजे उठ जाते हैं और बिल्कुल रेंगते रेंगते से स्नान लेकर के, रोज स्नान करके आते हैं सुबह, और अभी तो बाल स्वभाव उनका बच्चे की तरह है, लेकिन इसको तो वो उनके अणु अणु में जैसे व्याप्त तो हो गया है भजन की निष्ठा, तो ये जरूर भजन में बैठते हैं। 3:30-4 बजे सुबह ध्यान में वो 1 घंटे के लिए जरूर आते हैं, और शाम को 6:30-7:45 वाले ध्यान में आते हैं। अभ्यास स्वभाव बन गया। जब वो जंगल में थे तो उन्होंने एक दिन चिट्ठी लिखने का लिखा हुआ था, चिट्ठी का जवाब देना है, एक दिन कपड़े धोने का लिखा हुआ था, और 1.25 घंटे के अंदर चूल्हे पे खाना बना करके बर्तन धो करके और ख़त्म कर देते थे। सीक्वेंस बना रखी थी कामों की, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो समय बहुत बचाते थे, और कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो अपना ध्यान मिस नहीं करते थे, कभी नहीं किया उन्होंने। एक बार बहुत तेज़ सर्दी थी, 0 डिग्री टेम्परेचर था, तो उस दिन महाराज जी रजाई लेकर के आए ध्यान में, लेकिन आए। हमारे आश्रम में सबसे ज़्यादा रेगुलर वही हैं भजन में। जैसा महापुरुष होता है ना, वो खुद 100 पैसे लोगों के सामने उदाहरण लगता है, तो लोग जो है उसमें से 2 पैसे अनुकरण करते हैं। जैसे महाराज जी बहुत ज्वलंत उदाहरण रखते हैं, तो हम उसमें से थोड़ा सा ग्रहण कर पाते हैं उनके उपदेश में से। एक वृंदावन में बहुत बड़े संत हुए हैं सूरदास स्वामी शरणानंद जी महाराज, उनके जीवन दर्शन के ऊपर आधारित ये भजन है। उनके आश्रम में मानव सेवा संघ में ये गाया जाता है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो इसमें हम सबका जीवन कैसा सेवामय होना चाहिए, वो इस पर बहुत जोर देते थे, सेवा पे वो बहुत जोर देते थे। वो कहते थे कि ये जीवन शरीर मिला ही समाज के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए, हृदय भगवान की भक्ति के लिए, और शरीर और साधन सब दूसरों के लिए, ऐसा ये उनका मुख्य जीवन दर्शन था। साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, साधनरत हो साधक भैया, साधनरत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधनरत हो साधक भैया। आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जयसी हो। आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जयसी हो। मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो। सुरभित नटवर नागरिया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। ओ, 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 ओ,
रन्ति देवसा करुण हृदय हो 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 रन्ति देवसा करुण हृदय हो दुख सुख में ये संत अभय हो दुख सुख में ये संत अभय हो सत साधक की सदा विजय हो सत साधक की सदा विजय हो तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया साधन रत हो साधक भैया जीवन में सब विधि संयम हो जीवन में सब विधि संयम हो जग हितर तव तन मन धन हो जगर रत तव तन मन धन हो शम दम जर शम दम उद्यम चरणाश्रय हो शम दम उद्यम चरणाश्रय हो पकड़ कन्हैया ये बैया साधन रत हो साधक भैया परमेश्वर पार कर नैया साधन रत हो साधक भैया आ